तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा का चूंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है, अब काउंसलिंग आपको करानी है, तो इसलिए अगर आपके पास डी फार्मा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में भी यह इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ डी फार्मा में आप सरकारी कॉलेज कैसे पा सकते हैं, इस बार याद रखिएगा, स्टूडेंट की काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, मतलब मैं बता दूं तो 40 से 45% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डी फार्मा का एग्जामिनेशन को छोड़ दिया है, इसलिए इस बार मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज मिलने के चांसेस है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पूरी तरीके से प्रॉपर गाइडेंस न होने की वजह से वो कॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए, डी फार्मा कैसे करना है, कहाँ करना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस कैसे होगी, आपकी जॉब और सैलरी, इसके पूरे फायदे के बारे में इंफॉर्मेशन आपको, डिटेल में काउंसलिंग कैसे करानी है, सरकारी कॉलेज आप कैसे ले सकते हैं डी फार्मा का, सभी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है आपके पास, और वो सॉल्यूशन है कि आपको अपने गूगल में सर्च करना है www.polytechnicwalepandeji.com। क्या सर्च करना है स्टूडेंट? www.polytechnicwalepandeji.com। जब आप polytechnicwalepandeji.com सर्च करेंगे तो मैंने अभी तुरंत आज ही मैंने डी फार्मा के बारे में पिछली बार कैसे एडमिशन हुआ था, क्या योग्यता रही थी, कितने रैंक पर एडमिशन हुआ था सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम फीस में आप कैसे कर सकते हैं डी फार्मा, सभी के बारे में जानकारी हमने वेबसाइट पे दी हुई है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे polytechnicwalepandeji.com आप पहुंच जाएंगे सीधे तौर पे हमारे वेबसाइट पे। ये है आपका वेबसाइट और इसी वेबसाइट पे आपको सारी चीजें दी गई हैं, जैसे डी फार्मा क्या है, कैसे करना है, योग्यता क्या होगी, फीस, जॉब, सैलरी, आपका ये इंटरफेस है पॉलिटेक्निक वाले पांडे जी का। इसलिए आप अपने गूगल में polytechnicwalepandeji.com जरूर सर्च करें। आप देख रहे होंगे कि काफी सारे चैनल्स पे या फिर इवन हमारे भी चैनल पे जो मैक्सिमम काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ग्रुप ए वालों के लिए ही दी जा रही है। ऐसे बहुत ही कम चैनल है, मतलब यूट्यूब पे तो मैंने देखा नहीं है कि शायद ही कोई ग्रुप ई के बारे में इंफॉर्मेशन दे, लेकिन ग्रुप ई के बारे में, स्पेशली डी फार्मा के बारे में, अगर यह चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपको यह वेबसाइट www.polytechnicwalepandeji.com अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट गूगल में सर्च करिए, पहले पढ़िए कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको पढ़ना है डी फार्मा तो क्या प्राइवेट कॉलेज में फीस लगती है, कैसे आप प्राइवेट कॉलेज में डी फार्मा कर सकते हैं, ऐसे कौन से प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे डी फार्मा हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है जो डी फार्मा अगर आपने फ्रॉड कॉलेज से किया हुआ है, ऐसे कॉलेज से किया हुआ है जिनका मान्यता नहीं है, तो ऐसे एम्प्लॉय को वो जॉब पे नहीं रखती है। तो आप यदि डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है polytechnicwalepandeji.com, आप अपने गूगल में जरूर सर्च कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में, तो अगर आप देखिएगा तो हर राज्य के लिए डी फार्मा का एग्जामिनेशन अलग अलग होता है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली यूपी के बारे में बात करूं तो सिर्फ आपके पास 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। उन गवर्नमेंट कॉलेज में अदर ब्रांचेस की भी पढ़ाई होती है, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी भी आपका चलता है, ठीक है, डी फार्मा का कोर्स भी उसमें चलता है, जिसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो हो गया होगा, रिजल्ट भी आ गया होगा आप सभी स्टूडेंट का, और काउंसलिंग भी आपकी अब होने वाली है। काउंसलिंग के लिए शेड्यूल अगर मैं बात करूं आपसे तो अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन आया कि 31 जुलाई के बाद ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि CBSE और UP का जो रिजल्ट है वो बहुत बाद में आया है, और उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, इन सभी राज्यों के बच्चे भी पॉलिटेक्निक करने उत्तर प्रदेश में आते हैं, ठीक है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट का रिजल्ट का भी इंतजार है, लेकिन CBSE का फाइनली रिजल्ट आ चुका है, यूपी का आ चुका है, तो 1 अगस्त के बाद आपके काउंसलिंग होने की पूर्ण संभावना है। अखबार के मुताबिक बात करें तो 15 अगस्त के बाद, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो 1 अगस्त आपका टेंटेटिव डेट है, ठीक है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट गूगल में polytechnicwalepandeji.com जरूर सर्च कीजिएगा। धन्यवाद।